हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रॉन्ग कैनवास। मैं तमन फिर से आपके सामने और एक नया वीडियो लेके हाजिर हो चुका हूँ। मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप ब्यूटीफुल पीकॉक ड्रैग विद हॉट पेस्टिकल। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का ड्रॉइंग। ड्रॉइंग शुरू करने से पहले आपको तो पता ही है कि रॉन्ग कैनवास ने एक नया ड्रॉइंग चैनल लॉन्च किया है। इसका नाम है रॉन्ग कैनवास डिजिटल आर्ट। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस आप इस चैनल को प्लीज विजिट कीजिए और पसंद आएगा तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप स्कूल प्रोजेक्ट वाला ड्रॉइंग, सब्जेक्ट ड्रॉइंग, ड्रॉइंग किताबों में जैसा ड्रॉइंग रहता है वैसे सारे ड्रॉइंग शेयर कर रहे हैं। तो चलिए आज का ड्रॉइंग स्टार्ट करते हैं। अब मैं ड्राइंग स्टार्ट कर दिया। अब मैं ड्राइंग के लिए HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। पहले मैं पीकॉक का ड्राइंग कर रहा हूँ। पेंसिल से वेरी लाइट ड्राइंग कर रहा हूँ। अब उसका पीछे वाला जो फेदर है वो ड्राइंग कर रहा हूँ। अब जो बड़े बड़े फेदर होता है वो फेदर ड्राइंग कर रहा हूँ। आप चाहो तो 2B पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, पर HB पेंसिल से ड्राइंग करना ही सबसे बढ़िया होता है। थोड़ा लाइट ड्राइंग होगा इससे। अब ये वाला फिगर भी हो चुका है। अब थोड़ा डिटेल कर रहा हूँ। तो गाइस ये मेरा पेंसिल ड्राइंग तो कंप्लीट हो चुका है। अब पर ये कलर करने का। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं कलर। और इस ड्राइंग में मैं जो जो कलर यूज करने वाला हूँ वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टेप बाय स्टेप मेंशन कर दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं कलर। अब मैं लाइट ग्रे यूज कर रहा हूँ। अब सलमान पिंक। अब ऑरेंज कलर, लाइट पर्पल, थोड़ा ब्राउन। अब मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। लाइट ऑरेंजिश येलो, नाउ पेल येलो हाईलाइट के लिए। अब बर्नड अम्बर यूज कर रहा हूँ डार्क पोर्शन में। अब मैं जेड ग्रीन यूज कर रहा हूँ पीकॉक के बॉडी पे। लाइट ग्रीन, नाउ ग्रास ग्रीन। अब मैं प्रूशियन ग्रीन यूज कर रहा हूं डार्क पोर्शन पे। नाउ कोबाल्ट ब्लू। अब हाईलाइट पोर्शन पे स्काई ब्लू, प्रूशियन ब्लू। अब स्टैम्पिंग टूल से मैं धीरे धीरे ब्लेंड कर रहा हूँ। अब सलमान पिंक, ऑरेंजिश येलो, लाइट ग्रीन, ऑरेंज कलर यूज किया। अब ब्राउन यूज कर रहा हूँ पीकॉक पे, आई पे। अब ब्लैक ग्राफाइट पेंसिल से डार्क पोर्शन है वो वाला डार्क पोर्शन आई मीन पूरा डिटेल धीरे धीरे कर रहा हूँ। आपके पास अगर ब्लैक ग्राफाइट पेंसिल नहीं है स्टेडलर का तो आप ग्लास मार्किंग पेंसिल भी यूज कर सकते हो। ऑयल पेस्टल के ऊपर ग्लास मार्किंग पेंसिल भी अच्छा लगता है। अब जो डिटेल है डार्क पोर्शन का वो मैं कर रहा हूँ। थोड़ा डायमेंशन ला रहा हूँ। छोटा छोटा फेदर है वो डिटेल में निकल रहा हूँ।
बॉडी का स्ट्रोक दे रहा हूँ। अब व्हाइट एक्रिलिक कलर यूज कर रहा हूँ। आई में डिटेलिंग निकल रहा हूँ व्हाइट एक्रिलिक से, जहाँ पर हाईलाइट है वो कर रहा हूँ। अगर आपके पास व्हाइट एक्रिलिक का कोई सब्स्टिट्यूट है वो कर सकते हो। अब कोबाल्ट ब्लू के बाद मैं क्यूशन ब्लू यूज़ कर रहा हूँ। अब स्काई ब्लू, अब वाइट यूज़ कर रहा हूँ। ऑरेंज कलर यूज़ किया, अब वर्मिलियन कलर, ब्राउन यूज़ कर रहा हूँ। कटन बार से अब ब्लेंड कर रहा हूँ। फिर स्टैम्पिंग टूल से थोड़ा डिटेल में ब्लेंड कर रहा हूँ। जो एज होता है कलर का वो निकालना बहुत जरूरी है। अब लाइट ग्रीन यूज कर रहा हूँ, लेमन येलो, अब ग्रास ग्रीन। फिर से मैं ग्रास ग्रीन यूज कर रहा हूँ। अब डार्क ग्रीन या कुशन ग्रीन भी यूज कर सकते हो। जितना भी फेदर है सब फेदर का एक ही कलर होगा, तो पहले मैं जो फेदर का कलर किया है वो कलर ही सब फेदर में रिपीट करेंगे। ऑरेंज कलर, अब वर्मिलियन, क्रिशियन ब्लू। एक बार मैंने ये सब कलर बोल दिया तो नेक्स्ट टाइम मैं ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि तो आपको दिखने से ही पता चल जाएगा कि कौन सा कलर मैं यूज कर रहा हूँ। ये ग्रास ग्रीन है, ये प्रशियन ग्रीन, आप चाहो तो डार्क ग्रीन भी यूज कर सकते हो। आपके पास जो भी कलर अवेलेबल है नजदीक वो आप यूज कर सकते हो। ये लाइट ग्रीन, अब ऑरेंज कलर, अब स्काई कलर। थोड़ा ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप ब्लेंडिंग करना ही पड़ेगा। आप लोग चाहो तो ये ड्राइंग प्रैक्टिस करके हम लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हो। और अगर आप लोगों का कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी हम लोगों के पास भेज सकते हो। जितना डिटेलिंग पे करोगे उतना ही अच्छा होगा। अब लेमन येलो यूज कर रहा हूँ, ऑरेंजिश येलो, लाइट ग्रीन, अब फिर से ब्लेंड कर रहा हूँ।
फिर ऑरेंजिश येलो, ऑरेंज, ये मेरा ग्रास ग्रीन, आपके पास अगर ये वाला वाइल्ड पेस्टल नहीं है अगर दूसरा कोई कंपनी का वाइल्ड पेस्टल है तो उसी से भी कर सकते हो आप लोग। ऐसा नहीं कि हम लोग जो कलर यूज़ करेंगे वही कलर आपको चाहिए। अगर आपके पास सपोज पुशियन ग्रीन नहीं है तो आपके पास डार्क ग्रीन होगा, आप डार्क ग्रीन उसका नज़दीक जो भी कलर होगा आप यूज़ कर सकते हो। ये ब्लैक ग्रेफाइट पेंसिल मैं यूज़ किया हूँ। स्काई ब्लू बैकग्राउंड पे ग्रीन थोड़ा, अब ऑरेंजिश येलो, पूरा बैकग्राउंड पे मैं पेल ग्रीन स्काई ब्लू ही यूज किया मैक्सिमम जगह पे, फ्लैट कलर पे आई मीन। ये थोड़ा लाइट ग्रीन है इधर, अब मैं हैंड से रब करके ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। ये मेरा थोड़ा टेक्सचर पेपर है इसलिए मेरे को हर वक्त ब्लेंड करना पड़ता है। अगर आपके पास कोई और भी पेपर होगा तो आई थिंक ऑलवेज ब्लेंड करना नहीं पड़ेगा। अब मैं पुशियन ग्रीन और पुशियन ब्लू के साथ ये कलर करूँगा, आई मीन कर रहा हूँ। कप का फेदर का पूरा डिटेलिंग मैं कप कर रहा हूँ। ये ड्राइंग करके आप लोग हम लोग के साथ शेयर कर सकते हो। अगर कोई भी जगह पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, अगर किसी भी जगह पे आप लोगों को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है। अब मैं ब्लैक ग्रेफाइट पेंसिल यूज कर रहा हूँ पूरा डार्क पोर्शन पे। गाइज ये वीडियो हम लोग सिर्फ आप लोगों के लिए ही बनाते हैं। अगर ये हम लोग का एफर्ट आप लोगों को पसंद आया तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप ऐसा ही और भी इजी ड्राइंग देखना चाहते हो लिटिल स्टार्स के लिए तो हम लोगों का और एक नया चैनल है रॉन्ग कैनवास लिटिल स्टार्स आर्ट रूम, इस चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल पर हम लोग आप लोगों के लिए सब्जेक्ट ड्राइंग, स्टेप बाई स्टेप ड्राइंग, किताबों में जैसा ड्राइंग रहता है वैसा ड्राइंग, वैसे सारे ड्राइंग शेयर कर रहे हैं। अगर आप लोगों को लगता है और भी इजी ड्राइंग चाहिए तो आप लोग उस चैनल पे हम लोगों को फॉलो कर सकते हो। ये एक्रिलिक येलो मैं यूज कर रहा हूँ थोड़ा हाईलाइट के लिए। व्हाइट एक्रिलिक फाइनल टचअप के लिए अब मेरा कलर कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है मास्किंग टेबल करने का, चलिए करते हैं मास्किंग टेबल। अब मैं मास्किंग टेप रिमूव कर रहा हूँ। आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया है।
वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। तो गाइस ये था आज का ड्राइंग, कैसा लगा आपको? अगर आपको पसंद आया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया ड्राइंग लेके, तब तक के लिए बाय बाय।